हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं इस महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जो संबंधित है। अभी व्हाट्सएप का मुद्दा उठा हुआ है जो जासूसी का, इसी से संबंधित है। चलिए तो देखते हैं। अतार्किक बचाव से जासूसी मामले में घिरी सरकार। तो व्हाट्सएप जासूसी के मामले में सरकार जितना बचने का प्रयास कर रही है उतनी ही गिरती जा रही है। राज का खुलासा होने के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री का जवाब था कि व्हाट्सएप से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कंपनी का फौरन प्रत्युत्तर आया और यह सब कुछ सरकार को मई में ही बताया जा चुका था कि सरकार ने इस पर कहा कि वह जवाब बेहद टेक्निकल था, लिहाजा कुछ भी समझ में नहीं आया। इस पर कंपनी ने कहा कि सितंबर में दोबारा बताया गया था। जैसे ही सरकार ने इस बार इसे खारिज करना चाहा तो व्हाट्सएप और मीडिया ने मंत्रालय की वेबसाइट को दिखाया जिस पर कंपनी का सरकार को और प्लेटफॉर्म यूजर्स को आग्रह करने वाला पत्र स्वयं सरकारी एजेंसी ने अपलोड किया था। ध्यान रहे कि मई में ही चुनाव हुए थे। उधर व्हाट्सएप के इनक्रिप्टेड क्रिप्टेड विषय वस्तु में सेंध लगाकर देश के कुल 127 लोगों की जासूसी करने वाली इजरायली कंपनी NSO अपने बचाव में लगातार कह रही है कि वह अपने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का लाइसेंस केवल सरकार उसकी वैध संस्थाओं को ही देती है। तो याद रखिए, ये सॉफ्टवेयर है पेगासस, ठीक है। इस पूरे प्रकरण में प्रदर्शित हो रहा है कि बचाव के लिए सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल भी सरकारी अफसर नहीं कर रहे हैं। दुनिया के हर प्रजातंत्र में सरकारी खुफिया एजेंसियां इस तरह कानूनतर काम करती हैं, क्योंकि आतंकियों या देश के खिलाफ साजिश करने वालों को पकड़ना है तो यह क्षम्य अपराध माना जाता है। लेकिन जब यह हथियार राजनीतिक विरोधियों पर और ज्यादा तादाद में से लागू किया जाने लगता है तो सरकार जनता की नज़रों में गिरने लगती है। असली मामला कुछ और है। दरअसल सरकार व्हाट्सएप पर लगातार दबाव डाल रही है कि वह उसे दुर्भावनापूर्ण कंटेंट भेजने के सोर्स तक पहुंचने के लिए इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करने की सुविधा दे। व्हाट्सएप का कहना है कि उसने पूरी दुनिया में यह सुविधा किसी भी सरकार को नहीं दी है। आज जिस तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए और नई आतंकी भर्ती करने में इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे सरकारी खुफिया एजेंसियों के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वह सीधे कंपनी से यह सुविधा हासिल करे या बगैर बताए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करे। सरकार गलत नहीं है, लेकिन अतार्किक बचाव से आरोप पुख्ता हो रहे हैं। चलिए, तो ये था एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।